Mechanism of development, the nuclear equivalence. First, the contents. Rocks, Weismann hypothesis. hence Dries discovery, and payment Payman discovery. So first, the rocks, Weismann hypothesis. Before the start of modern research or the modern technology.

तो फिर वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन कैसे बना सकते हैं दिस वॉज अ क्वेश्चन इन नाइनटीन सेंचुरी नाइनटीन सेंचुरी के अंदर साइंटिस्ट के पास दिस अ मेजर क्वेश्चन कि हाउ द सेल्स विच आर डिराइव फ्रॉम सिंगल जाइगोट जो सिंगल जाइोट से ड्राइव होने वाले जो सेल्स हैं हाउ दे आर कैपेबल टू फॉर्म डिफरेंट बॉडी ऑर्गन वो सेल तो एक जैसे हैं तो फिर वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन कैसे बनाते हैं अब इसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थीरीजेश उसमें एक जो इंपॉर्टेंट हाइपोसिस था द रॉक्स वेजमैन रॉक्स एंड वेजमैन दे आर थ्रू जर्मन साइंटिस्ट बेसिकली एम्ब्रियोलॉजिस्ट दे गिव द आइडिया दैट एज द एम्ब्रियो कीप ऑन डिवाइडिंग टू डिफरेंट सेल्स रिसीव डिफरेंट पार्ट ऑफ जीनोम मीन्स जैसे सेल डिवाइड करता है तो सेल का जीनोम क्या करेगा फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है एक पीस जीनोम का एक सेल को मिलेगा दूसरा पीस दूसरे सेल को मिलेगा तो जीनोम का जोन सा पीस जिस सेल को मिलेगा वो फ्यूचर में वही ऑर्गन तो जो, जो है वो डेवलप करवा देगा दिस वाज द इनिशियली जो है कि हाइपोथेसिस थे कि जीनोम जो है वो स्प्रिट हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो इस तरह से साइंटिस्ट के अंदर यह कंसेप्ट था कि अब चूंकि सेल तो सारे के सारे एक जैसे हैं लेकिन उनमें से जिनोम जो है वो स्प्लिट कर रहा है जिनोम फ्रेगमेंट के फॉर्म में कुछ सेल्स है उनको एक फ्रेग मिल रहा है कुछ को दूसरा फ्रेगमेंट मिल रहा है तो किसी को तीसरा फ्रेगमेंट मिल रहा है इससे जिनोम की ब्रेकेज से जोन सा पार्ट जिसको मिलेगा वही आगे वो चीज में डेवलप हो जाएगा देन 1892, नाइनटी नाइनटीन सेंचुरी के एंड के करीब जाकर एक सामने हेंड्स ड्राइक्स ने एक नई डिस्कवरी की ही नोटिस दैट इफ सी अर्चन जाई गोट वेन इट इज एट टू सेल स्टेज एम्ब्रियो बोथ सेल्स बोथ ब्लास्टो मी देर सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर दे आर कैपेबल टू ग्रो इन टू टू नॉर्मल इंडिविजुअल्स यानी क्या था किस ड्राइस ने में एक एक्सपेरिमेंट एक किया उसने क्या कि अगर हम सी अर्चन जो है जब इसका फर्टिलाइजोट जैसे ही डिवाइड करके दो हिस्सों में दो सेल्स बनाएगा अब इन दोनों सेल्स को अगर हम अलग कर दें तो वो दोनों सेल्स दो नए सी अर्चन के लारवी में कन्वर्ट हो जाते हैं अब ये कंसेप्ट कि जैसे ही सेल डिवाइड होगा आधा जिनोम एक को मिलेगा आधा जिनोम दूसरे का मिलेगा तो ये तो यहां आकर एबॉलिश हो गया क्यों क्योंकि अगर वो कंसेप्ट ठीक था तो जरा जो दोनों सेल्स हैं उनको आधा आधा लार्वी बनाना चाहिए थे आधे आर्गन एक लार्वी में बनने चाहिए थे आधे आर्गन दूसरे लार्वी में बनने चाहिए थे लेकिन दोनों लार्वी नॉर्मल इंडिविजुअल्स में यानी दोनों जो एम्ब्रियो है वो आगे जाकर नॉर्मल लार्वी में कन्वर्ट हो गए उनसे दो सीएचन बन गए तो इस तरह से ये जो कंसेप्ट था कि डेवलपमेंट के दौरान जीनोम के डिफरेंट फ्रेगमेंट डिफरेंट सेल्स को मिलते हैं ये यह यहां आकर फिनिश हो गया इसका जाओ विच मीन जितने भी सेल्स होंगे उनको सबको जिनोम एक जैसा ही मिलेगा यानी जिनोम वो डिवाइड नहीं होगा दिस वॉज दंक्लूजन ऑफ द हैंड्स ड्राइट एक्सपेरिमेंट लिटर आप इसके बाद एक और हमारे पास हैंड स्पेमैन के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो डिवेलपमेंटल मैकेनिज्म को समझने के लिए किए गए हैं हैंड्सपे मैन ने जो सबसे स्ट्राइकिंग एक्सपेरिमेंट था उसका फर्टिलाईज फर्ट सिलेमेंडर फर्टिलाइज एक्ट उसने लिया जायोट यानी फर्टिलाइज एग इजोट उसके बाद उसने एक हेर जो है उसके लगाई और उसको दो हिस्सों में वो पिंच कर दिया जायोट को दरमियान से बांध दिया इस तरह से कियोट जो है सिंगल साइड का आधा साइड एक तरफ आधी साइड दूसरी तरफ अब उसने इस गिरा को जो है वो लगाकर उसको फिर दोबारा मीडियम के अंदर रख दिया उसने देखा कि जिस साइड के ऊपर न्यूक्लियस था वो वाला हाफ आज से था सेल डिवीजन स्टार्ट कर देता है जबकि वो साइड जिसके ऊपर न्यूक्लियस नहीं था वहां सेल डिवीजन नहीं होती है अल्टीमेटली जब वो हाफ जहां सेल डिवीजन हो रही है जहां पहले न्यूक्लियस मौजूद था व्हेन इट रीच टू द 16 सेल स्टेज जब ये 16 सेल स्टेज के ऊपर पहुंचता है तो फिर यहां से एक न्यूक्लियस एस्केप करके उस सेल तरफ चला जाता है जहां न्यूक्लियस नहीं था पहले ए न्यूक्लिएटेड साइड थी जो जैसे न्यूक्लियस दूसरी तरफ जाएगा दूसरी सर वाली साइड भी क्या करने की? सेल डिवीजन स्टार्ट करवा देगी तो इस तरह से हैंड्स पे मैन ने प्रूव किया कि दिस इज अ न्यूक्लियस विच इज इन्वॉल्व इन द सेल डिवीजन प्रोसेस कि डेवलपमेंट के प्रोसेस में क्या चीज इन्वॉल्व है न्यूक्लियस इन्वॉल्व है जिधर न्यूक्लियस होगा उधर डेवलपमेंट होगी जिधर न्यूक्लियस नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगी अच्छा हैंड्स पे मैन के सम एक्सपेरिमेंट ऐसे भी जैसे देखा कि सम टाइम न्यूक्लियस तो दोनों तरफ मौजूद है लेकिन एक तरफ डेवलपमेंट प्रॉपर हो रही है एक तरफ डिवेल्पमेंट एबनॉर्मल हो रही है जब उसने गौर की तो ही नोटिस दैट द फर्टिलाईज एग हैव द ग्रे क्रिसेंट जब उसने उसको डिटेल में देखा उसने कहा कि एक्चुअली अच्छा ये ग्रे क्रिसेंट एक तरफ जा रहा है दूसरी तरफ ग्रे क्रिसेंट नहीं जा रहा तो जिस तरफ ग्रे क्रिसेंट जा रहा है वहां डिवेलपमेंट हो रही है जबकि जिस तरफ ग्रे क्रिसेंट नहीं गया वहां सेल डिवाइड तो कर रहे हैं लेकिन तो एबनॉर्मली डिवाइड कर रहे हैं इस तरह से उसने दो कंक्लूजन निकाले नंबर वन कंक्लूडिड दैट फॉर द डिवेलपमेंटल प्रोसेस न्यूक्लियस इज इसशियल न्यूक्लियस इसेंशियल है और फिर यह है कि जब न्यूक्लियस सिक्सटीन सेल स्टेज के ऊपर दूसरी तरफ गया था तो वो न्यूक्लियस जो है वो जो दूसरी साइड थे वो भी आ जाता था पूरे के पूरे, पूरे एक नए लार्वी में डिवेलप हो जाती है तो इसका मतलब है कि सिक्सटीन सेल स्टेज के ऊपर एक कैम्बर एक न्यूक्लियस दूसरी तरफ जाने से दूसरी तरफ भी एक कैम्बरू बन जाएगा और जो पंद्रह सेल इधर रह गए हैं वहां भी एक कैम्बरू जो है बन जाएगा इट मीन्स न्यूक्लियस कैरी ऑल द जेनेटिक से नंबर वन न्यूक्लियस इज एसेंशियल फॉर डेवेलपमेंटल प्रोसेस नंबर टू न्यूक्लियस कंटेन ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेश नंबर थ्री ग्रे क्रीसेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर डेवेल्पमेंटल प्रोसेस डेवेलपमेंटल प्रोसेस में ग्रेक्रिसेंट का भी इम्पोर्टेंट जो है वो रोल मौजूद है तो इस तरह से ग्रे क्रीसेंट के बगैर जो है अब डिवेलपमेंट होगी